नमस्कार दोस्तों, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीएड के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। बहुत दिनों से इस पर कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन आज अपडेट आई है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम होंगे, तो उसके लिए जो अपडेट वो दिया गया था वो मैं माफी चाहता हूं उसके लिए कि वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन मैंने उस वीडियो में कहा था दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, मुझे ये फेक लग रहा है, मैं इसे चेक जरूर करूंगा। तो दोस्तों वो गलत निकला आर्गूमेंट, क्योंकि वो चीजें बीएससी कहीं पर भी अपलोड ही नहीं हुआ था। मैंने आप वहां पर साफ साफ कहा था, आप ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए, इसलिए वो मैंने आप तक पहुंचाया। पहली ऐसी अपडेट है जो गलत हो गई, लेकिन आज की जो अपडेट है ये खुद आप जाकर ऑफिशियल जो पेज है, उस ऑफिशियल साइट है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज की अपडेट बिल्कुल सही होने वाली है। बीएससी बीएड, बीए बीएड पर जो फैसला लिया गया है वो आप तक मैं साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स के लिए, बिल्कुल सही और सटीक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर देख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से ये लेटर है। लगभग ये सभी में लागू होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो बीएड और बीएससी बीएड हैं वो लगभग जो राजस्थान में है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होते हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज एक जैसे फैसले लेने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान में अब तक जो फैसले लिए गए हैं वो सभी के लिए लागू हुए हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या फैसले लिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, शिक्षा संकाय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष विद्यार्थियों को प्रोविजनल कन्वर्ट करने के बाबत में, यहाँ पर सुनिए ध्यान से, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा शिक्षा ग्रुप विभाग के पत्र क्रमांक 31/1/2015 दिनांक 17/6/2020 एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर के पत्र क्रमांक F24/COVID-19/BEd-81/2020-190 दिनांक 22/5/2020 के द्वारा COVID-19 के मद्देनजर शिक्षा संकाय के समस्त पाठ्यक्रमों यथा बीएड 2 वर्षीय, बीएड स्पेशल, बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 वर्षीय तथा एमएड पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्रमशः आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली कर्मोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार अपने स्तर पर प्रवेश कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें। तो यानी जो अंतिम वर्ष के हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को आगे कर्मोन्नत किया जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये जो अंतिम वर्ष के उनके एग्जाम होने वाले हैं, बाकियों के एग्जाम नहीं होंगे। तो यही अपडेट है जो आप जाकर देख भी सकते हैं, ऑफिशियल पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।